करा रही हूँ। अब इनको स्नान करा के इनको टॉयलेट से पोछूंगी और पोछ के मेरा पूजा जो जैसा होता है जैसे मैं करती हूँ वैसे आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसे मैं दिखा रही हूँ। जैसे अब मेरा जो है इनका एक वस्त्र है, मैं इनका कपड़ा पहनाऊंगी, माला है। अभी ये देखिए इनका जो है इस पर मैं ऐसे बैठा दी, ठीक ठीक। और ये देखिए ये दीपक है, दीपक पहले मैं जला लेती हूँ क्योंकि भगवान का दीपक साक्षी मानकर भगवान का पूजा किया जाता है। फिर मैं देखिए दूबा है, ये अढ़ौर का फूल है, करेल का फूल है, ये सब फूल है, शमी पत्र है, ये मैं पूजा में भगवान को चढ़ाऊंगी। प्रति मेरा ऐसे ही पूजा होता है। ये मेरा चांदी का कटोरी है, गिलास है, ये तो कटोरी है, ये चार मैंने रखी है भगवान को, गिलास है चांदी का, सब इनको इसमें भोग लगाऊंगी और भोग लगा के मैं पूजा करने जा रही हूँ। और भगवान को मैंने टीका पहन कर लूंगी, मैंने टीका करूंगी, ये मैंने टीका ले लिया भगवान का, मैं चंदन से फिर लड्डू गोपाल को मैं टीका कर लूंगी, ठीक टीका कर लिया। फिर और सारे भगवान को मैं टीका लगाऊंगी, सब भगवान को मैं टीका लगाऊंगी। कल जन्मदिन है उसका, उसके लिए शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर गाड़ी में बैठने जा, गाड़ी में बैठ जाएंगे तो आपको बताएंगे। अभी घर से बाहर निकल रही हूँ गेट पर और गाड़ी में बैठने के बाद फिर शॉपिंग करूंगी तो आप लोगों से बात। बाय। हेलो गाइज, चल रहे हैं गाड़ी में बैठ के, मेरा बेटा चला रहा है छोटा, हम लोग शॉपिंग करेंगे, साड़ी वगैरह जो भी लेंगे शॉपिंग करेंगे। दर्जी को कपड़ा भी देना है, छठ के लिए छठ व्रत करती हूँ वो भी दे दूंगी सिलने के लिए। आज जो जो होगा मेरा, ये देखिए छोटा बेटा है और बहू भी ऐसी गाड़ी में बैठी है। ये सबसे यूनिक सिलाई ये करती है, बुटीक वाली है, गोरखनाथ में है, बाय करिए, ये सबसे अच्छी है इनकी सिलाई। आप लोग भी सिलाई कराइए, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, कितनी इनकी सिलाई अच्छी होती है जो हम लोग इनके सूट साड़ी। ये हमारी छोटी बहू है, ये भी यही यहीं का सिलाई हम लोग करती है। आप लोग भी आइए सिलाइए और देखिए कितनी अच्छी सिलाई हमने आपको करा दी। जहाँ कमी बेसी होती है वो बता भी सकते हैं।